हाँ तो नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, मैथ में से त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये होता है बच्चे, क्योंकि बच्चा जो है वो फंस जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीका से, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, देखिए ऑब्जेक्टिव जो रहता है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा दिया जाता है, जिसके कारण आप लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हम आपके लिए लिखा है त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी तरीका से और बहुत ही आसान तरीका से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और आज जो है आपको कॉपी किताब नहीं चुना है, कॉपी को भी साइड कर दीजिए और कलम को भी साइड कर दीजिए। आप डायरेक्ट आप मेरे बोर्ड पर ध्यान दीजिए और देखिए किस प्रकार से जो है हम इसका आंसर आसान तरीका से, कैसे इसका आसान तरीका से आपको आंसर दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन का हम बात कर लेते हैं एक नंबर देखिए, एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम बढ़िया से समझिए। ऑब्जेक्टिव से ही आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश सब्जेक्टिव अगर आपको नहीं बनाने आता है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही बहुत अच्छा तरीका से, बहुत शानदार तरीका से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बस आप ध्यान देते रहिए क्या है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है टेन पाई बटा टू। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए ए में दिया हुआ है 0। कॉपी किताब कोई नहीं चाहिएगा, कॉपी खत्म साइड कर दीजिए और डायरेक्ट आप इधर ध्यान देते रहिए और देखिए आपका कितना अच्छा मार्क्स आ जाता है। और डी में है 0 और इसका आंसर आप देते रहिएगा, अपने मन में इसका आंसर देते रहिएगा। देखिए टेन पाई बटा टू, चार को ऑप्शन दिया हुआ है। टेन पाई बटा टू का मान 0 होता है, या टेन पाई बटा टू का मान √3 होता है, या 1/√3 होता है, या अपर बाध्य होता है। अब देखा सर पाई का मान तो हम पढ़े हुए 22/7, तो यहाँ पे 22/7 बैठा है कि क्या बैठा है दिमाग में, तो यहाँ पे टेन में त्रिकोणमिति में पाई का मान हम 180 बैठाते हैं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए टेन है तो टेन और पाई, तो पाई का मान बैठा देंगे 180 और बटा में कितना 2, तो हो जाएगा काट देंगे तो कितना हो गया 90, यानी कि टेन 90 हो गया। कितना हो गया? टेन 90। और टेन 90 का मान कितना होता है? टेन 90 का मान होता है अपरिभाग। टेन 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। तो टेन 90 का मान क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया, ठीक है? तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेन फाइव बटर टू का मान टेन फाइव बटर टू रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। ये समझ में आएगा, पूरा आपको समझ जाएगा, पूरा आप बने पूरा हम बनाएंगे, ठीक है? अब इसको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझने की आपकी आवश्यकता है, आप बढ़िया से इसको समझिए। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा त्रिकोणमिति का, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे आपका अच्छा आएगा उसके बाद देखिए। 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 किसके बराबर है? तो 1/√3 का चार ऑप्शन हम आपके पास दे रहे हैं। देखिए एक में हो जाएगा टैन 60 डिग्री, बी में हो गया टैन 30 डिग्री, सी में हो जाएगा टैन 30 डिग्री, सी में हो जाएगा साइन 30 और डी में हो जाएगा कॉस 30। देखिए 1/√3, तो 1/√3 किसका मान होता है? टेन 60 का होता है, या टेन 30 का होता है, या साइन 30 का होता है, कॉस 30 का होता है। तो आप इस क्वेश्चन को आप पढ़े होइएगा कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको एकदम इजी तरीका से याद रखना है कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि sec²θ - 1। तीसरा क्वेश्चन sec²θ - 1, एकदम बोर्ड पे आप ध्यान देते रहिए। जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन आप ध्यान देते रहिए बोर्ड पे, आपका डिवाइजिंग भी होते रहेगा, त्रिकोणमिति में अच्छा भी नंबर आएगा और आपका नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो है फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला के साथ साथ इसमें आपको कहते हैं फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मान भी दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन भी कई क्वेश्चन ऐसा जिसको सॉल्व भी करना है, ठीक है? तो दिया हुआ है 1 - sec²θ - 1, तो sec²θ - 1 में एक में ऑप्शन है, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप जहां पढ़े वहां से cosec²θ हो गया, sec²θ, उसके बाद cot²θ और डी में हो गया tan²θ, ठीक है? तो आप बताइए sec²θ - 1 का मान क्या होता है? cosec²θ होता है, या sec²θ होता है, या cot²θ होता है, या टी कोई सर होगा, डी होगा, क्या होगा? डी होगा। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3θ = 90, तो cos θ का मान क्या निकालेंगे? 3θ = 90 हो तो cos θ बराबर कितना होगा? ए में ऑप्शन है 1/2, बी में ऑप्शन है √3/2, सी में ऑप्शन है 1/√2 और डी में ऑप्शन है 2/√3। अब इसको जब तक इसको आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3θ = 90 डिग्री है, तो cos θ का मान ज्ञात करें, ठीक है? अब ये देखिए है इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या कंडीशन दे दिया हुआ है, 3θ = 90 डिग्री तो cos θ का मान ज्ञात करें। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3θ = 90, तो θ = क्या हो जाएगा? 90 /
थ्री, तो 30 दिया 90, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमको कॉस थीटा का मान करना है, तो कॉस और थीटा का जगह कितना 30, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट थ्री बटा टू, कॉस साइन 60 डिग्री का मान रूट थ्री बटा टू, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा। समझ आ गया ना, कंफ्यूजन है, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला को याद रहना जरूरी है। cos 30 डिग्री का मान √3 / 2 ना होता है, अब इसका उल्टा हो जाएगा उसमें sin 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर थीटा दिया रहा है तो अगर क्या है 30 डिग्री दिया रहा है तो 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3 / 2 बन जाएगा। पूछे तो अब देखिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैसे घुमा दिया हुआ है, नीचे इसको बना दे रहे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया दिया हुआ है कि 1/√3, 1/√3 किसके मान के बराबर, 1/√3 बराबर a में दिया हुआ है साइन पाई बटा थ्री, ठीक है। b दिया हुआ है 6 cot पाई बटा थ्री, c में दिया हुआ है tan पाई बटा 6 और d दिया हुआ है cos पाई बटा 6, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कन्फ्यूजन दे दिया, बाप क्या क्वेश्चन दे दिया, तो आपको बताया कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना बैठाएंगे 180 बैठाएंगे, और 1/√3 कह रहा है कि चारों में से किसके बराबर, कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई एक ऐसा फॉर्मूला इसमें से है, कोई एक चीज का मान ऐसा जिसका मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, साइन के साइन पाई का मान 180 बटा 3 कितना हो जाएगा 6 × 18 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, क्या आंसर होगा नहीं होगा, एक नहीं हुआ। चलिए बी को सॉल्व कर देते, 6 cot पाई का मान 180 बटा 3 6 × 18 60 होगा, तो 6 cot 60 का मान कितना होता है cot 60 भी, तो 6 गुने cot 60 का मान कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3, तो ऊपर 6√3 ये होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए पाई बटा ठीक है, टाइम के टाइम पाई का मान 180 बटा 6 का आएगी 6 × 18 और सॉल्व करने के बाद इसको हम बनाएंगे, ठीक है। √3 बराबर, अब जाइएगा एग्जाम देने, कहिएगा सर जी तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ाई नहीं किया है, वो तो थीटा बराबर क्या होगा, ए में है 60 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 30 डिग्री और डी में है 0 डिग्री, चले जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। चले गए एग्जाम देने, पूछ दिया √3 cos 1 θ = 2, तो थीटा का मान क्या होगा, सर जी वाला क्वेश्चन पढ़ाई में नहीं किए हैं, सर जी तो पढ़ाई में cos θ = 2/√3 कोई चीज का मान होता है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है सो आपको हम बता रहे, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा √3 cos 1 θ बराबर कितना, ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पैसे नहीं चलते cos 1 θ = 2, ये भाग में आ जाएगा √3, अब तो थीटा का मान क्या था, थीटा बराबर आपको बताए थे cos 1, इनवर्स लगा देंगे, क्या लगा दे इनवर्स 2/√3, इसका मतलब क्या है कि cos 1 2/√3 कै डिग्री का मान होता है, cos 1 2/√3 कै डिग्री का मान होता है, क्या मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, क्या मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, इसमें कौन आंसर हो जाएगा, कैसे बना ऐसे, ये देखिए कैसे बना है, तो इसको ऐसे निकालना पड़ेगा या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और साइन का उल्टा क्या है cos 1 है, इसका मान क्या हो गया 2/√3, सुना है ना, दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन आ गया, पूछे एकदम फास्ट में बताइएगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं उस जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे उससे पहले आपको आंसर बता देना है, लिखेंगे क्वेश्चन उसका आंसर आपको बता देना है, उसका आंसर करता रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है। √2 cos θ = 1, √2 cos θ = 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग, 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री या 90 डिग्री, चलिए बताइएगा, जल्दी बताइए तो कौन बताएगा, जल्दी बताइए तो 45 डिग्री 45 डिग्री ना, देखिए तभी ना बताया √cos θ = 1, cos θ = 1/√3
रूट थ्री, तो थीटा सॉरी रूट टू, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वन बटा रूट टू। तो थीटा बराबर कॉस वन बटा रूट थ्री कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का, क्या डिग्री का 45 का, 45 क्या हो गया हो गया। कल हम आपको बताए थे बहुत ही मजेदार 3/5 है कि नहीं है, तो है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना, कॉस थीटा का ऑप्शन ए में है 4/5, बी में दिया हुआ है 4/3, सी दिया हुआ है 5/6 और डी दिया हुआ है 3/5। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम देखिए यहाँ पे है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, फिर भी साथ बना लेंगे तो P/H यानी कि 3/5, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, अब हो जाएगा 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर ना बीसी बराबर 25 - 9, 25 हो गया तो 16 का मूल 4 क्या हो गया 4, तो 4/5 हो तो गया 4/5 ठीक है 4/5 हो गया। तो कोई भी तरीका से आप इसको आसानी से बना सकते हैं ठीक है। तरह खुश रहे बाद रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, अच्छी तरह से।